हाय फ्रेंड्स, आई एम बाविशा। वेलकम टू माय किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं, उसका नाम है जुकीनी सूप। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो सबसे पहले देखते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 2 कप जुकीनी, जो मैंने कट कट के रखी हुई है, ठीक है, उसको कोजेट भी बोलते हैं। 1 ऑनियन चॉप की हुई है और चॉप गार्लिक, 2 चिली फ्लेक्स, सॉल्ट एंड लेमन जेस्ट को हमने लेमन ग्रेट करके ऊपर का येलो पार्ट ही लिया हुआ है, व्हाइट पार्ट नहीं लेना है। व्हाइट पार्ट लिया तो फिर वो एक बिटर टेस्ट आ जाता है, तो बैट आप ध्यान रखना कि येलो पार्ट ही लेना, ऊपर का जो पार्ट है वही लेना है, नॉट व्हाइट, ओके। और हमें चाहिए ऑलिव ऑयल एंड ब्लैक पेपर एंड वाटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें कुकर लेते हैं। हमारे इंडियन घर में हमेशा एक कुकर तो रहता ही है, उसमें गैस ऑन करके फिर उसके अंदर हमें डालना है ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, एकदम यम्मी एंड हेल्दी सूप है। उसके अंदर कभी भी इसके अंदर ऑलिव ऑयल आता है, मतलब कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं है, कुछ नहीं है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया आता है। उसके लिए हमें सबसे पहले करना है, एक ऑयल गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी ऑनियन, थोड़ी सी मतलब 1 ऑनियन चॉप की हुई है, उसको थोड़ा सा सौते करेंगे। गार्लिक और लेमन जेस्ट बाद में डालेंगे, क्योंकि गार्लिक वो जल जाएगा तो उसकी वो फ्लेवर सूप में अच्छी नहीं लगेगी, तो बेटर है पहले थोड़ा ऑनियन सौते कर लो, बाद में उसमें गार्लिक डालो। अभी हम डालेंगे गार्लिक, गार्लिक थोड़ा सा सौते हो जाए। बाद में हम डालेंगे लेमन जूस, वो ध्यान रखना चाहिए कि लेमन जूस बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए, नहीं तो उसका टेस्ट बहुत ही खराब आता है, और अच्छे से किया तो फ्लेवर ही बहुत अच्छी आती है। बाद में उसके अंदर हम डालेंगे ये जुकीनी हमारी जो कटी हुई है। आप ये सूप बनाएंगे तो एक बढ़िया सा हेल्दी और कुछ नया टेस्ट मिलेगा। हम डोमिनो सूप मंगाना कि और बहुत सारे सूप बनाते हैं, ये सूप जरूर ट्राई करना, एक बढ़िया सा सूप है। उसमें हम डालेंगे पानी, अगर आप स्टॉक वाटर भी डाल सकते हैं, स्टॉक वाटर आपके पास रेडी है तो आप स्टॉक वाटर डाल सकते हैं। मेरे पास अभी स्टॉक वाटर नहीं है तो मैं पानी डाल के वो सूप बना रही हूँ। उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल लेंगे, सॉल्ट डालने के बाद अभी हम गैस स्लो करके अपना कुकर बंद करेंगे। कुकर बंद करने के बाद अभी हम विसल रखेंगे, और अभी हमें मिनिमम 3 विसल करनी है। 3 विसल करने के बाद देखते हैं कि कैसे वो रेडी हो जाता है। अब 3 विसल हो गई है कुकर की, हम चलो उसको खोल के देखते हैं। हाँ, अच्छे से हो गया है, अच्छे से बॉईल हो गया है। तभी हम उसको ग्राइंड करेंगे, thank you।
ऊपर से कुछ निकाला भी नहीं है, ऊपर के छिलके निकाले नहीं है और अच्छा सा ग्रीन कलर भी आया है। अगर आपको ग्रीन कलर पसंद नहीं है तो आप ऊपर के छिलके निकाल के उसको बॉइल कर सकते हैं। अभी हम उसमें डालते हैं चिली फ्लेक्स टेस्ट के हिसाब से आपको देखना है, और ब्लैक पेपर वो फ्रेश खुली इतनी अच्छी से लगती है, उसकी स्मेल भी बहुत मस्त आ रही है। और अगर देखो अभी वो रेडी हो गया सूप, कितना इजी है, एक सिंपल सा डिलीशियस सूप होता है, सिंपल है, स्टिल यम्मी हेल्दी। और अगर आपको उसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल के खाना है तो आप ऑलिव ऑयल थोड़ा ऊपर से डाल के भी पी सकते हैं। तो एक मस्त बढ़िया सा जुकीनी सूप इज रेडी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच टू विजिट माय साई किचन। थैंक्स अगेन।